नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मार्ट बिजनेस प्लस दीपक कुमार के साथ और समय हो चुका है खेती किसानी की महत्वपूर्ण खबरों का। किसान भाइयों, धान की उन्नत खेती ऐसे करें और कम जमीन से भी लाखों रुपए कैसे कमाएं, ये जानेंगे वीडियो में विस्तार से। हम आज की वीडियो आपके लिए काफी हद तक बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि यहाँ पर आप विस्तार से धान की खेती करने के बारे में सीख पाएंगे। यदि आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और आपको खेती करने में किस तरह की परेशानी आ रही है, कृपया हमें कमेंट कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सवालों के जवाब दे सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं धान की खेती करने के लिए उपयुक्त जलवायु कैसी होना चाहिए। तो धान एक उष्ण तथा उपोष्ण जलवायु की फसल है और यह गर्म शीतोष्ण क्षेत्रों में काफी अच्छी तरीके से हो जाती है। धान और पानी का गहरा संबंध होने के कारण वर्षा ऋतु में सबसे अच्छी यह फसल होती है और अच्छा प्रोडक्शन भी दे देती है। बात करें भूमि कैसी होना चाहिए, तो धान की खेती के लिए भारी दोमट भूमि सर्वोत्तम पाई गई है। इसकी खेती हल्की अम्लीय मृदा से लेकर क्षारीय मिट्टी में आसानी से की जा सकती है, जिसका पीएच मान 4.5 से 8.0 तक होना चाहिए। धान के खेत की तैयारी शुष्क एवं आर्द्र प्रणाली द्वारा बोने की विधि पर निर्भर करती है। शुष्क प्रणाली में खेत की तैयारी के लिए फसल के तुरंत बाद ही खेत को मिट्टी पलटने वाले हल से जोत लेते हैं, इसके बाद पानी बरसने पर जुताई करते हैं। इस प्रकार भूमि की भौतिक दशा ध्यान में रखते हुए गोबर की खाद और कंपोस्ट खाद, हरी खाद बुआई से पहले प्रारंभिक जुताई के समय खेत में अच्छी तरह मिला देते हैं, जिससे कि फसल जब हमारी बनती है तो काफ़ी अच्छे से बनती है, उसमें रोग वायरस नहीं लगते और उसका प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छे से बन जाता है। अब बात करें उन्नतशील किस्मों की, तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर अगेती किस्मों के बारे में। तो अगेती किस्मों के बारे में बात करें तो 110 से 115 दिन फसल की अवधि वाली किस्में इस प्रकार है, जैसे पूसा 2, पूसा 21, पूसा 33, 834, PNR 381, 162, नरेंद्र धान, चावल 86, 97, गोविंद और साकेत 4 आदि प्रमुख अगेती किस्में हैं। अब यदि मध्यमी किस्मों के बारे में बात करें तो 120 से 125 दिन की समय की अवधि लेने वाली किस्में हैं ये, इनके नाम है पूसा 169, 205, 44, सरजू 52, पंत धान 10, 12 और IR 64 आदि प्रमुख किस्में हैं। और यदि लंबी अवधि की किस्मों की बात करें जो कि कम से कम 130 से 140 दिन का समय ले लेती है, तो इनमें प्रमुख किस्में हैं PR 106, मालवीय 36 और नरेंद्र 359, 359। ये प्रमुख किस्में हैं। अब हम कुछ संकर किस्में और बासमती किस्मों के बारे में बात कर लेते हैं। तो संकर किस्मों में आती है KRH2, PHV 71, सहयाद्री, प्रो एग्रो 62, एराइज 64-44 और सुरुचि 54-01। ये संकर किस्में हैं। और यदि बासमती किस्मों की बात करें तो बासमती 1, पूसा सुगंध 2, 3, 4 व 5, कस्तूरी 385, बासमती 370 व बासमती तरावड़ी आदि प्रमुख किस्में हैं, जो बासमती किस्में और बासमती किस्मों की जो चावल रहते हैं या धान रहते हैं उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा मार्केट में है और काफ़ी हद तक महंगे भी बिकते हैं। और आपके लिए बता दें कि इसका बासमती का प्रोडक्शन थोड़ा कम निकलता है संकर या देसी किस्मों की अपेक्षा, लेकिन इसकी कीमत काफ़ी अच्छी हो जाती है। अब जानते हैं धान की बीज बुआई कैसे करनी है। तो धान की सीधी बुआई के लिए बीज की मात्रा 40 से 50 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर होना चाहिए एवं धान की एक हेक्टेयर रोपाई के लिए बीज की मात्रा 30 से 35 किलोग्राम बीज पौध तैयार करने हेतु पर्याप्त होते हैं। नर्सरी डालने से पहले बीज का शोधन करना अति आवश्यक है और 25 किलोग्राम बीज के लिए 4 ग्राम स्पेटोसाइक्लिन तथा 75 ग्राम थीरम द्वारा बीज को शोधित करके बुआई करना चाहिए। अब जानते हैं धान की पौध रोपण कैसे करना है। तो धान की रोपाई का उपयुक्त समय जून के तीसरे सप्ताह से जुलाई के तीसरे सप्ताह के मध्य अवश्य करना चाहिए। इसके लिए धान की 21 से 25 दिन की तैयार पौध की रोपाई उपयुक्त होती है। धान रोपाई के लिए पंक्तियों से पंक्तियों की दूरी 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर तथा एक स्थान पर 2 से 3 पौधे लगाना चाहिए। अब बात करें धान में पोषण प्रबंधन के बारे में। तो धान की अच्छी उपज के लिए खेत में आखिरी जुताई के समय 100 से 150 क्विंटल
प्रति हेक्टेयर गोबर की सड़ी खाद खेत में मिलाते हैं और उर्वरक 120 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस एवं 60 किलोग्राम पोटास तत्व के रूप में प्रयोग करते हैं। नत्रजन की आधी मात्रा फास्फोरस तथा पोटास की पूरी मात्रा खेत तैयार करते समय दे देते हैं तथा आधी मात्रा नत्रजन की ड्रॉप ड्रेसिंग के रूप में बाद में दे देते हैं। अब बात करें धान की खेती में जल प्रबंधन कैसे करें, तो धान की फसल को अन्य फसलों की अपेक्षा सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। धान की फसल को कुछ विशेष अवस्थाओं में पानी की जरूरत पड़ती है। रोपाई के बाद एक सप्ताह तक पौधे के फुटाव के समय, वाली निकलते समय और दाना भरते समय खेत में पानी रहना अति आवश्यक है। अब बात करते हैं खरपतवार प्रबंधन कैसे करेंगे, तो धान में खरपतवार हटाने के लिए खुरपी या पेंडीविडर का प्रयोग करते हैं और अब तो खेती किसानी में निंदाई गुड़ाई करने के लिए कई सारे स्मार्ट टूल्स आ चुके हैं निंदाई गुड़ाई करने के लिए, तो आप वो भी ले सकते हैं, जैसे छोटे छोटे खुरपी, कुदाल और छोटे ट्रैक्टर, मिनी ट्रैक्टर जिन्हें बोलते हैं, उनसे भी आप निंदाई गुड़ाई कर सकते हैं। और यदि आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम डायरेक्ट कंपनियों से संपर्क करवा के भी आपको ये सारे सामान प्रोवाइड करवा सकते हैं। और यदि आप किसी रसायन का प्रयोग कर रहे हैं तो 3 से 4 दिन के अंदर आपको क्या करना है, रोपाई के 3 से 4 दिन के अंदर 700 से 800 लीटर पानी में 3.5 लीटर पेंडीमिथिलीन 30 ईसी का प्रयोग प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप कर सकते हैं, तो भी आपका यह व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। फिर इसमें यदि कोई रोग लगते हैं, कीट लगते हैं, तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले कीट को समझ लेते हैं। यदि धान में कीट लगते हैं जैसे कि दीमक, पत्ती लपेटक कीट, गंधीवग या तनावेदक आदि तरह के कीट लग जाते हैं, तो आप क्या करेंगे, नीम से बनी कीटनाशक का प्रयोग करेंगे और बाद में क्यूनाल फास 25 ईसी 1.25 लीटर या क्लोरोफायरीफॉस 20 ईसी को 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। और यदि कोई रोग लग जाता है तो आप क्या करेंगे, जैसे सफेद दाग, विषाणु झुलसा रोग, सित झुलसा, भूरा धब्बा, जीवाणुधारी झोंका और खेरा आदि तरह के यदि रोग लगे हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो बीज को अच्छे से उपचारित करके बोएंगे तो ये सारी समस्याएं नहीं आएगी। यदि फिर भी ये रोग लग रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इन रोगों से संबंधित दवा का प्रयोग करेंगे और किसी अच्छे विशेषकर सलाहकार से सलाह मशवरा ले लेंगे या कृषि अधिकारी से संपर्क करके इसकी दवा ले आएंगे, क्योंकि समय समय पर इसकी दवा चेंज रहती है, तो हम अभी दवा का नाम नहीं बता रहे आपके लिए। अब बात करते हैं फसल कटाई कब और कैसे करेंगे, तो जब खेत में 50% वालियां पकना शुरू हो जाए तब फसल से पानी निकाल देना चाहिए और 80 से 90% जब वालियों के दाने सुनहरे रंग के हो जाए अथवा वाली निकलने के 30 से 35 दिन बाद कटाई करना चाहिए। इससे दानों को झड़ने से बचाया जा सकता है और अवांछित पौधों को कटाई के पहले ही खेत से निकाल देना चाहिए और कटाई के बाद तुरंत ही मड़ाई करके दाना निकाल लेना चाहिए। इसकी फसल दो तरीके से होती है, यदि सिंचित अवस्था में कर रहे हैं तो आप आराम से 60-70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार ले सकते हैं और असिंचित अवस्था में कर रहे हैं तो फिर आपको इसमें 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार मिल जाएगी। लेकिन इसमें उपरोक्त विधि सही होना चाहिए, बीजों का सही चुनाव करना चाहिए, आपको मौसम, हवा, पानी सभी तरीके से सबका सहयोग मिलता है तो ही आपका इतना प्रोडक्शन निकल पाएगा। अदरवाइज यदि बारिश कम हुई, कोई रोग लग गया, कोई कीट लग गया या फिर ओलावृष्टि से फसल नष्ट हो गई, ग्रोथ नहीं हो पाई, फुटान नहीं कर पाई, तो फिर प्रोडक्शन में गिरावट मिल जाती है। लेकिन प्रोसेस जो है वो हमने आपके लिए बता दी है, तो हमें उम्मीद है किसान भाइयों आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। इस धान की खेती से संबंधित आपके जो भी डाउट हैं या किसी अन्य फसल से संबंधित आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिए, अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आने वाली हर एक खेती किसानी की वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले। नमस्कार।